हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारूफ सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ चैप्टर फर्स्ट इज फूड प्रोडक्शन। द नेम ऑफ टॉपिक इज कोल्ड स्टोरेज। लेट्स सी द टॉपिक, प्लीज लिसन केयरफुली। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से COVID-19 के बारे में बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि जो ये कोरोना वायरस है, जब ये ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है तो ये 3 to 4 days, 3 से 4 दिनों तक ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वसन तंत्र का जो रास्ता होता है, उसमें रहता है। फिर वो वहाँ से उसके बाद मूव करके ह्यूमन लंग्स तक पहुँच जाता है, मीन्स फेफड़े तक पहुँच जाता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें जो हमारी ऑक्सीजन गैस जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचने से हमारा लंग्स जो होता है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है। लेकिन जो ये कोरोना वायरस है, ये हमारे उस लंग्स पे अटैक करके उसको डैमेज कर देता है, यानी लंग्स को फूलने नहीं देता, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है, मीन्स डेथ हो जाती है। अब आइए हम लोग चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक कोल्ड स्टोरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेजेस। फल और सब्जियों को कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है। वेयर द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड बिटवीन 0 degrees Celsius एंड 4 degrees Celsius। और जहाँ पर जिस कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 degrees Celsius से 4 degrees Celsius के बीच में उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दिस डिस्करेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो ठीक से फिर नहीं हो पाती। इट आल्सो स्टॉप्स द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम स्पॉइलिंग देम। और साथ साथ क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखने से और इतना 0 degrees Celsius से 4 degrees Celsius टेम्परेचर मेंटेन रहने से फलों को या सब्जियों को ख़राब करने वाले जो भी एंजाइम्स उनमें पैदा होते हैं, उनको वो उन फलों और सब्जियों से सिक्रेट होने से रोक देता है, यानी कि वो ख़राब करने वाले एंजाइम्स फिर फलों और सब्जियों में नहीं निकलते। हाउ एवर, इफ़ द टेम्परेचर बिकम्स टू लो, और मान लीजिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो द स्टोर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड। तो आपका जो स्टोर में रखा गया फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होगा, वो आपका ख़राब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। द अदर थिंग दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज इज ह्यूमिडिटी। दूसरी चीज़ ये है कि कोल्ड स्टोरेज में ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता जो है लगातार बनी रहनी चाहिए, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि उसके अंदर रखी गई चीज़ ख़राब ना हो। द ह्यूमिडिटी इज़ केप्ट प्रेटी हाई बिकॉज वहाँ की जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता को इसलिए हाई रखा जाता है क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लॉस मॉइस्चर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ लो। क्योंकि जब ह्यूमिडिटी लो हो जाती है तो उस कंडीशन में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें से नमी निकल करके बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से फल और सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। इस वजह से वहां की ह्यूमिडिटी कोल्ड स्टोरेज की ज़्यादा रहती है, कि जिससे कि फल और सब्जियों की ह्यूमिडिटी कम ना होने पाए। केयर हैज़ टू बी टेकन टू सी दैट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बी स्टोर्ड आर एब्सोल्युटली क्लीन एंड नॉट डैमेज इन एनी वे। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप कोल्ड स्टोरेज में जो भी फल या सब्ज़ी रखने के लिए जा रहे हैं, पूरी तरीके से वो फल और सब्ज़ियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कहीं से वो फल और सब्ज़ियाँ डैमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं की कहने का मतलब ख़राब नहीं होनी चाहिए। दे आर यूजली पैक्ड इन कैरेट्स, रैक्स और ट्रेज विच आर स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर विथ प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर। और इसको फल और सब्जियों को रखने के लिए कैरेट्स, रैक्स और ट्रेज का यूज़ किया जाता है, और इनको कोल्ड स्टोरेज में एक दूसरे के ऊपर लाइन लगा करके लेयर वाइज रख दिया जाता है, और कोशिश ये भी की जाती है कि इनके बीच में जगह रहनी चाहिए, जिससे कि हवा का जो सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से सबके बीच में होता रहे। द कोल्ड स्टोर हैज़ टू बी केप्ट क्लीन, और कोल्ड स्टोर को भी साफ़ सुथरा रखा जाना चाहिए। एंड द डोर्स मस्ट नॉट बी ओपन टू ऑफन।
और बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज के दरवाज़े को भी नहीं खोलना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो कोल्ड स्टोरेज के पॉइंट्स को हमने डिफ़ाइन किया, इसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा और पढ़ करके समझिएगा। थैंक यू।